अपनी औकात में रहो, बोल दिया तो बोल दिया, मेरा सर मत खाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम्हारे होश ठिकाने पर तो हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे चीज़ों पर हम अटक जाते हैं कि इसको बोलना कैसे है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ जो आप डेली लाइफ में बोलते होंगे या फिर बोलना पड़ सकता है आपको, और उनको कैसे बोला जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा, और उनको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा और एग्जांपल्स की हेल्प से आपको किसी और सिनेरियो में बोलना हो वो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है, अपनी औकात में रहो। ठीक है, अपनी औकात में रहो। औकात क्या होते हैं, मतलब एक लिमिट, अपनी हद, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। सो सिंपल हम इसको बोलेंगे, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। अगर हमें ये भी बोलना हो कि अगर अपनी औकात से बाहर मत निकलो, अपनी हद से ज़्यादा मत ये चीज़ करो, अपनी हद पार मत करो, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट, वहाँ पे ये भी आ जाएगा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट। सेकेंड, मेरा सर मत खाओ, मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी। अब नैग का मतलब क्या होता है, परेशान कर देना, ठीक है, मतलब किसी का दिमाग ख़राब कर देना किसी का, तो वो होता है नैग में, इरिटेट कर देना। सो डोंट नैग मी, मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी। तमाशा मत खड़ा करो, तमाशा मत खड़ा करो, डोंट मेक अ फस, डोंट मेक अ फस। क्यों तमाशा मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग अ फस, आई एम नॉट मेकिंग अ फस, यू आर मेकिंग। मैं तमाशा नहीं मचा रहा हूँ, तुम मचा रहे हो, ठीक है। तो फस का यूज़ होता है तमाशे के लिए, ठीक है, एक किसी बीच में लड़ाई झगड़ा शोर शराबा हो रहा है, वहाँ पर एक तमाशा सा हो गया, सो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे फस। डोंट मेक अ फस, तमाशा मत मचाओ, या तमाशा मत खड़ा करो, डोंट मेक अ फस। चली गई तो चली गई, बोल दिया तो बोल दिया, अब खा लिया तो खा लिया, अब इस चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे, चली गई तो चली गई, गॉन इज गॉन, चली गई तो चली गई, गॉन इज गॉन। बोल दिया तो बोल दिया, स्पोकन इज स्पोकन। अब मैं बोलूँ खा लिया तो खा लिया, ईटन इज ईटन। अब मतलब आपने क्या करना है, एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि थर्ड फॉर्म लेनी है, दोनों में, बाद में भी और शुरू में भी, बीच में इज लगा देना है। बस आपको एक तरीका बताया ये मैंने कि आपको इस तरीके से बोल देना है कि कह दिया तो कह दिया, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, खा लिया तो खा लिया, चला गया तो चला गया, गॉन इज गॉन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अ नोड इज एनफ टू वाइज। अब नोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली नोडिंग का मतलब, नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, ठीक है, नोड, तो नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, ठीक, कि तो अ नोड इज एनफ टू वाइज, अनफ का मतलब पर्याप्त, काफ़ी, अ नोड इज अनफ टू वाइज, मतलब वाइज मतलब समझदार, कि समझदार को इशारा ही काफ़ी, अ नोड इज अनफ टू वाइज। चलो अब बात को निपटाओ, चलो अब बात को निपटाओ, ख़त्म करो, मिट्टी डालो, ऐसा हम बोलते हैं। अगर हमें ऐसे बोलना है कि यार चलो बात ख़त्म करो, मिट्टी डालो, तो हम कैसे बोलेंगे, नाउ सेटल द मैटर, इसे छोड़ो, बात को निपटाओ, लीव इट, नाउ सेटल द मैटर। सेटल द मैटर का मतलब होता है कि जो मैटर है, जो बातचीत चले, इसको सेटल करो, उसको ख़त्म करो, उसको सही करो, सो नाउ सेटल द मैटर। नेक्स्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे होश तो ठिकाने पर हैं, तुम्हारे होश ठिकाने पर हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर यू इन सेंसेस, मतलब जो हमारे सेंस होते हैं, देखना, सुनना, बोलना, तो आर यू इन सेंसेस, तुम अपने सेंसेस में हो, मतलब तुम्हारा होश ठिकाने पर है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे आर यू इन सेंसेस, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारा होश ठिकाने पर नहीं है, आई थिंक यू आर नॉट इन योर सेंसेस, कि तुम पागल हो चुके हो, यू आर नॉट इन सेंसेस, ठीक है, सो होश ठिकाने पर है, आर यू इन सेंसेस। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश, ठीक है, तो फीवर का मतलब होता है बुखार, और मैं बोल रहा हूँ मुझे बुखार जैसा लग रहा है, ठीक, ये आजकल तो खैर काफ़ी कॉमन हो गया है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश, आई एम फीलिंग फेवरिश। अब ये हम बहुत बोलते हैं, मैं यूं गया और यूं आया, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, ठीक है, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। अब फ्लैश का मतलब क्या होता है, चमक, कि मतलब जैसे बिजली की रफ्तार से, ठीक है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे
आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, कि मैं बस यूं गया और यूं आया। तो आई होप ये सेंटेंसेस आपके लिए कुछ यूजफुल होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। अगर कोई टॉपिक है इसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं कुछ समझाऊँ, कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।